दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में यदि आप वहां जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर आपके काम में आने वाली है, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए अयोध्या में दर्शन करने और घूमने के 10 सबसे प्रसिद्ध स्थान। इसीलिए दोस्तों, आप बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। यही प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है। इसके साथ ही रामायण की रचना भी इसी स्थान की बताई जाती है। इस शहर में आपको जगह जगह घाट और मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से कई मंदिर है जो भारत के गौरवशाली संस्कृति को बयां करते हैं। वैसे तो अयोध्या धार्मिक स्थल है, लेकिन इसे पर्यटन स्थल कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटन इस नगरी को घूमने के लिए आते हैं। दार्शनिक स्थलों की इस सूची में सबसे पहले नाम आता है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का। यूं तो यहां पर भगवान राम से जुड़े कई ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर सबसे विशेष है, क्योंकि ये मंदिर लंबे समय से विवादों में रहा। वैसे तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने इस मंदिर को ध्वस्त करके यहाँ पर मस्जिद बना दी थी, जिसके बाद हिंदुओं ने अपना इस धार्मिक स्थल को खो दिया। लेकिन साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनेगा। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 अगस्त 2024 को मंदिर का उद्घाटन होगा और 25 जनवरी से आम लोगों के लिए इस मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। नंबर 2, राजा दशरथ समाधि स्थल। भगवान श्री राम के पूज्य पिताजी चक्रवर्ती राजा दशरथ का समाधि स्थल अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं में माना गया है कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता वनवास में थे, तब भरत और शत्रुघ्न ने राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार यहीं पर किया था। इस स्थान पर एक मंदिर भी है, जिसमें राजा दशरथ, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ की मूर्ति स्थापित है। नंबर 3, कनक भवन। कनक भवन अयोध्या में हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता के सोने के मुकुट वाली प्रतिमा है। यही कारण है इस मंदिर को सोने का मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर को भगवान श्री राम की माता केकई ने माँ सीता के मुंह दिखाई के तौर पर दिया था। भगवान श्री राम के समय यह मंदिर भगवान श्री राम और माता सीता का निजी भवन हुआ करता था। इस महल की वास्तुकला सच में दर्शनीय है। हालांकि समय के साथ यह मंदिर खंडर में बदल चुका था, लेकिन बाद में राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। नंबर 4, हनुमानगढ़ी। अयोध्या में प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक हनुमानगढ़ी अयोध्या में स्थित होने के कारण राम भक्तों के लिए प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अयोध्या में उस स्थान पर किया गया है जहाँ पर पहली बार भगवान श्री राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। अयोध्या आने वाले भक्तजन इस मंदिर के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। नंबर 5, सरयू घाट। अयोध्या दर्शन में सरयू घाट महत्वपूर्ण है। सरयू नदी के घाट पर स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर आपको सभी घाट पर फूल मालाओं से सजे हुए नाम नौका विहार के लिए दिखेंगे। संध्या काल में यहाँ पर आरती होती है। इस आरती में आप सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को होने वाली आरती बेहद ही सुंदर और मनमोहक होती है। नंबर 6, राम की पैड़ी। राम की पैड़ी अयोध्या में सरयू घाट पर स्थित है। इस स्थान को लेकर एक प्रचलित कथा है कि एक बार लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन का निश्चय किया था। तब भगवान श्री राम ने यहाँ पर इस पैड़ी की स्थापना की थी और कहा था कि संध्या काल के समय जो भी इस पैड़ी में स्नान करेगा, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने जितना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। नंबर 7, देवकाली मंदिर। ये अयोध्या का एक प्रमुख धार्मिक मंदिर है, जिसका विवरण रामायण महाकाव्य के विविध प्रसंगों में पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वही मंदिर है जहाँ पर माता सीता शादी के बाद ससुराल आकर यहाँ पर पूजा की थी। देवकाली को भगवान श्री राम की कुल देवी माना जाता है। देवकाली मंदिर में एक ही शिला में महाकाली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों की प्रतिमाएं बनी हुई है। पूरे देश भर में केवल 2 ही ऐसे मंदिर है जहाँ पर एक ही शिला में 3 देवियाँ विराजमान है। पहला माँ वैष्णो देवी है और दूसरा अयोध्या की माँ बड़ी देवी काली है। मणि पर्वत। अयोध्या के दर्शनीय स्थलों में से एक मणि पर्वत भी है। इस पर्वत को लेकर मान्यता है कि जब रावण के साथ युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की तलाश में भगवान हनुमान जी पर्वत को उठा ले आए थे। तब उस पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा अयोध्या के इस स्थान पर आकर गिरा था। यही कारण है कि यहाँ आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु इस पर्वत को तो विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलते। सीता की रसोई मंदिर।
यह मंदिर प्राचीन रसोई घर के मॉडल को प्रदर्शित करती है जिसमें नकली बर्तन रखे गए हैं। मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उन सब की रानियों की मूर्ति मौजूद है। यह मंदिर अयोध्या में देखने लायक जगह है। नंबर 10, गुलाब बाड़ी। अगर आप राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं तो आपको गुलाब बाड़ी के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। इस स्थान पर अयोध्या के तीसरे नवाब नवाब शुजाउद्दौला और उनके माता पिता का मकबरा स्थित है। इस स्थान को गुलाब के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर खूब सारे रंग बिरंगे गुलाब के फूल हैं जो लोगों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करते हैं। दोस्तों, ये वो 10 स्थान थे जो अयोध्या में बहुत प्रसिद्ध है, और यदि आप लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले हैं तो आपको इन जगहों को भी जरूर विजिट करना चाहिए। यदि आप इन जगहों पर पहले गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।